इस वीडियो में हम देखेंगे बीमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे ये दिया है समीकरण v इक्वल टू ए टी प्लस बी में v वेग तथा t समय है, तो a बाई बी का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो a बाई बी का बीमीय सूत्र क्या होगा, पिछली वाली वीडियो में मैं बताया था कोई भी राशि अगर इक्वलिटी से जुड़ा हुआ है तो एक पक्ष LHS का जो बीमा होगा वो बराबर RHS की बीमा के होगा, या कोई दो राशि आपस में प्लस में है या माइनस में है तो उन दोनों की बीमा आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या है, V बराबर है हमारा, V बराबर है AT प्लस B, ठीक है, AT प्लस B है। अब इसमें AT का बीमा क्या होगा, AT का बीमीय सूत्र, AT का बीमीय सूत्र बराबर किसके होगा, ये होगा V के बीमीय सूत्र के, V के बीमीय सूत्र, AT का बीमीय सूत्र क्या होगा, V के बीमीय सूत्र के बराबर होगा, V के बीमीय सूत्र के बराबर होगा। तो यहाँ से ए टी का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ए बाई बी का बीमीय सूत्र है ना, तो ए का बीमीय सूत्र यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, वी का बीमीय सूत्र बटा टी का बीमीय सूत्र। वी क्या है, वी हमारा बिलास्टी है, और बिलास्टी का बीमीय सूत्र मैं कई बार बता चुका हूँ, बिलास्टी बराबर क्या होता है, बेग बराबर विस्थापन बटा समय, और विस्थापन को दूरी है एल में और समय को टी में, तो टी ऊपर जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा, तो विस्थापन जो वेग है उसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, एल टी माइनस वन बटा टाइम टी है तो उसका टी हो जाएगा। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू होगा कि नहीं, एल टी माइनस वन ये हो जाएगा और टी ऊपर जाएगा माइनस वन और हो जाएगा, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है, एल टी माइनस टू आ गया ए का बीमीय सूत्र। अच्छा उसके बाद देखिए बी का बीमीय सूत्र, बी का बीमीय सूत्र क्या होगा, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, बी का बीमीय सूत्र बराबर होगा जो हमारा बी का बीमीय सूत्र है, बी का बीमीय सूत्र बराबर बी का बीमीय सूत्र। अब बी का बीमीय सूत्र क्या है, ये हम जान रहे हैं बिलास्टिक का होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो यही हमारा हो जाएगा बी का बीमीय सूत्र, बी का बीमीय सूत्र, ए और बी का बीमीय सूत्र निकल गया है तो हमें पूछ के रहा है ए बाई बी का बीमीय सूत्र, ए का बीमीय सूत्र कितना है एल टी माइनस टू, और फिर बी का बीमीय सूत्र है एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे एल टी माइनस टू, एल ऊपर जाएगा माइनस वन, टी ऊपर जाएगा प्लस वन, तो ये हो क्या गया, देखिए एल का वन माइनस वन, एल का कितना हो गया जीरो, टी का माइनस टू प्लस वन, तो टी का हो गया माइनस वन, तो इसका बीमीय सूत्र अगर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बाई बी, ए बाई बी का बीमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, एम पावर जीरो, एल पावर जीरो और टी पावर माइनस वन, इतना हो जाएगा, ठीक है, एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर माइनस वन हो जाएगा, ये हमारा बीमीय सूत्र है। दूसरा, भौतिक राशि यस बराबर अंडर रूट पी बाई ए दिया है, भौतिक राशि यस बराबर पी बाई रो है, ये रो है, यस बराबर क्या दिया है, यस बराबर अंडर रूट पी बाई रो, जहाँ पे रो क्या है, घनत्व तो है, और मैं यस की बीमा ज्ञात करना है, तो यस की बीमा क्या हो जाएगी हमारी, यस की बीमा हो जाएगी, यस की बीमा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, जो पी क्या है, पी हमारा दाब है, तो दाब और रो घनत्व है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको मैं बताया था दाब की बीमा निकालना, दाब बराबर क्या होता है हमारा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर आपको मैं बताया था, दाब बराबर होता है
बल बटा क्षेत्रफल। अब बल की बीमा क्या है? बल की बीमा होती है यम यल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल की बीमा होती है यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यम यल टी माइनस टू यल माइनस टू, तो ये हो क्या जाएगा यम यल माइनस वन टी माइनस टू, यम यल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये होगा पी का बीमा, हो पी का बीमा हो गया यम यल माइनस वन और टी माइनस टू। ठीक है, ये हमारा हुआ पी का बीमा। बटा बटा क्या हो जाएगा? रो का बीमा। रो का बीमा क्या होता है? घनत्व। और घनत्व का बीमा क्या होता है? रो का बीमा घनत्व होता है, और घनत्व का घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को अगर हम डी से लिखें तो यम लिखा जाएगा, और आयतन को यल क्यूब हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यम यल माइनस थ्री, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यम यल माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा हमारा? घनत्व का बीमा। घनत्व डी से होता है, डी बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे घनत्व का बीमा हम लिख देंगे यम यल माइनस वन यम यल माइनस थ्री। ठीक है, अब इसी अंदर ही देख लीजिए रूट के, क्या हो जाएगा? यम यल माइनस वन यम यल माइनस वन टी माइनस टू, और यम ऊपर जाएगा माइनस वन, ये देखिए ये अलग है, यम माइनस वन और यल प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये बच क्या रहा है? अंडर रूट यम माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, यम का पावर जीरो, यल का पावर थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, और टी का पावर हो जाएगा, टी का पावर कितना होगा? टी का पावर ए माइनस टू है तो माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा रूट के अंदर से, यम तो जीरो है कोई बात नहीं, और ये हो जाएगा हमारा यल बाहर आएगा, यल स्क्वायर यल हो जाएगा, टी टी जो है बाहर आएगा तो ये टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या निकल के आएगी? यस की बीमा, यस की बीमा जो निकल के आएगी वो हो जाएगी यल टी माइनस वन। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया था भौतिक राशि यस बराबर अंडर रूट पी बाई रो, जहाँ पी दाब है तथा रो घनत्व है, तो यस की बीमा ज्ञात कीजिए। तो यस बराबर दिया है अंडर रूट पी बाई रो, तो जो पी है वो दाब है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा या एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल माइनस टू हो जाएगा, तो यम एल वन माइनस टू, तो माइनस वन हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा, टी कितना है? माइनस टू, टी जो है माइनस टू है, वो माइनस टू रहेगा। यहाँ से हमारा आ गया दाब का बीमा यम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसको हमने रख दिया। फिर आता है बटा घनत्व, घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को यम है मास, और जो ये आयतन हो मीटर क्यूब हो जाएगा मात्रक उसका, तो एल क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा एम एल माइनस थ्री, उसको हमने रख दिया एम एल माइनस थ्री, इसको हमने रख दिया। फिर ये ऊपर जाएगा तो यम यम जो है यम से यम माइनस जीरो हो जाएगा, एल ये माइनस थ्री है ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टू, और टी माइनस टू है ही है, तो यहाँ से बाहर आएगा यल स्क्वायर है यल आ जाएगा, टी माइनस टू है टी माइनस वन आ जाएगा। तो यस की बीमा क्या हो जाएगी हमारी? यल टी माइनस वन, यल जो है टी माइनस वन। नेक्स्ट देखिए दूसरा है, किसी कण का वेग कितना है? किसी कण का वेग यू बराबर ये दिया है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी है, जहाँ यू मीटर प्रति सेकंड एवं टी सेकंड में है। ए और बी की बीमा ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा समीकरण दिया है क्या है? यू बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है। तो इसमें समीकरण के बीमा ज्ञात करना है ए बी का। तो देखिए आपको मैं बताया, कोई भी समीकरण होगा तो दोनों पक्षों का बीमा आप बराबर होगा। तो यू का बीमा यहाँ पे आप लिखिए, यू का बीमा बराबर किसके होगा? ए टी स्क्वायर की बीमा के। तो ए का बीमा क्या हो जाएगा? यू का बीमा बटा टी स्क्वायर के। यू क्या है? हमारे बिलास्टी है, और बिलास्टी का बीमा होता है एल टी माइनस वन,
और जो हमारा टी स्क्वायर है, जो हमारा ये जो हमारा बीमा है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी का, इसमें एल टी माइनस वन ए टी स्क्वायर की बीमा हो जाएगा, तो ए की बीमा ए जो बिलास्टी है एल टी माइनस वन और टी स्क्वायर की बीमा हो जाएगी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ए बराबर इतना हो गया, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन और टी ऊपर चला जाएगा माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस थ्री। ए की बीमा हमारी कितना आ गई एल टी माइनस थ्री। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जो हमारा कहाँ पे बी की बीमा है, बी की बीमा मतलब यू की बीमा बराबर आप लिखिए यू की बीमा, यू की बीमा बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी टी की बीमा, बी टी की बीमा, यू की बीमा बराबर बी टी की बीमा, और फिर टी की बीमा बराबर टी की बीमा हो जाएगा यू की बीमा बटा यहाँ पे बी की बीमा हमें निकलना है, तो बी की बीमा बराबर यू की बीमा बटा टी की बीमा, तो बी की बीमा क्या हो जाएगी बी की बीमा हो जाएगी यू की बीमा हमारी है एल टी माइनस वन और टी की बीमा टी है ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, और इसी हिसाब से सी की बीमा, तो सी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा यू की बीमा, सी की बीमा बराबर यू की बीमा, यू की बीमा, तो यू की बीमा क्या है एल टी माइनस वन, तो यही हमारी क्या हो जाएगी सी की बीमा हो जाएगी, सी की बीमा हो जाएगी ना। तो पूछा क्या था, वो यहीं तक पूछा था ना बी की बीमा, ए की बीमा क्या हो जाएगी, देखिए इसमें ये क्या दिया था, ए किसी कण के वेग का समीकरण यू बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, जहाँ यू मीटर प्रति सेकंड, यू टी सेकंड में है, ए और बी की बीमा ज्ञात कीजिए, तो ए और बी की बीमा क्या हो जाएगा हमारा ए यू बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, यू की बीमा बराबर ए टी स्क्वायर के, तो ए की बीमा यू की बीमा बटा टी का टी स्क्वायर की बीमा हो जाएगी, तो यू का बीमा एल टी माइनस वन, टी स्क्वायर की बीमा टी स्क्वायर हो जाएगी, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एल टी माइनस थ्री आ गया। इसी तरीके से यू की बीमा बराबर बी टी की बीमा, बी की बीमा बराबर हो जाएगा यू की बीमा बाई टी का बीमा, एल टी माइनस वन नीचे टी रहेगा ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी की बीमा एल टी माइनस वन एल टी माइनस टू हो जाएगी, सी की बीमा भी यू की बीमा हो जाएगी, यू की बीमा एल टी माइनस वन वही हमारा सी की बीमा हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है इसमें है कि एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर ई तथा उसकी आवृत्ति, ई आवृत्ति क्या है न्यू, में संबंध एच बराबर एच न्यू द्वारा व्यक्त होती है प्लांक नियतांक एच की बीमा बताइए। तो आप जानते हैं ई बराबर है एच न्यू, ई बराबर है एच न्यू, तो प्लांक नियतांक एच का बीमा क्या हो जाएगा ई बाई न्यू की बीमा, ई की बीमा ई क्या है एनर्जी है हमारी, तो एच बराबर ई की बीमा, ई की बीमा क्या हो जाएगी एनर्जी है, तो आपको बताया था ऊर्जा कार्य सबकी बीमा क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और न्यू की बीमा आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर क्या होता है वन अपान टी मतलब आवर्तकाल हो जाएगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल टी माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल की तो कोई बात नहीं है, टी ऊपर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ कितना जाएगा एम एल स्क्वायर टी, ओ माइनस टू है ए टी प्लस वन हो जाएगा, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, देखिए टी ए नीचे ए क्या था एम एल टी माइनस है ना, टी माइनस टू है और ए फिर माइनस टू है ए प्लस वन है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन।
ठीक है, ये माइनस वन आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अतः प्लांक नियतांक एच की बीमा, प्लांक नियतांक एच की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होती है, तो ये हुआ हमारा क्या, इसको देख लीजिए आप क्या है। इसमें दिया था फोटान की ऊर्जा E तथा उसकी आवृत्ति न्यू में संबंध E बराबर एच न्यू द्वारा व्यक्त होती है। प्लांक नियतांक H की बीमा बताइए, E बराबर एच न्यू होता है तो H की बीमा ज्ञात करनी है, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E बाई न्यू। E क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा का जो बीमे सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और बाई इसका न्यू जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति में क्या होता है, आवृत्ति बराबर वन अपन आवर्तकाल क्या होता है, वन अपन आवर्तकाल, आवर्तकाल का टी होता है, टी का बीमा टी होगा, ऊपर जाएगा टी माइनस वन हो जाएगा, तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल पावर जीरो लिख दो, एल टी माइनस वन हो जाएगी, तो टी माइनस वन ऊपर जाएगी तो टी प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन आ जाएगा टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये इसकी बीमा हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से हमारी बीमा क्या हो गई, इसकी इतना हो गया। उसके बाद आप इसमें से आप ऐसा करिए, नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित समीकरण बीमी है, ये धीमी नहीं है, ये है बीमी रूप से सही है या नहीं इसका परीक्षण कीजिए। टी बराबर है अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पे टी बराबर क्या दिया है, ये टी बराबर होना चाहिए टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसमें ज्ञात करना है हमें ये सही है कि नहीं है। तो ये दोनों पक्षों का आप विमीय सूत्र इसमें लिख के बराबर कर देंगे, अगर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र बराबर है तो ये समीकरण सही है। तो दोनों पक्षों में हम विमीय सूत्र लिखते हैं, टी क्या है हमारा, आवर्तकाल है, टाइम है, तो टी हो जाएगा, और टू पाई का कोई बीमाहीन राशि है, कांस्टेंट है, टू पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसका कुछ नहीं होगा। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, एल, एल है लंबाई और जी है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, एल टी माइनस टू, ठीक है। देखिए रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एल, ऊपर आएगा एल माइनस वन टी, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इधर भी टी स्क्वायर आ गया, इधर भी टी स्क्वायर आ गया, दोनों पक्षों में टी स्क्वायर है, बीमे सूत्र जो है टी स्क्वायर है, दोनों पक्षों का बीमे सूत्र बराबर है, इसलिए ये समीकरण सही है। समीकरण क्या है हमारा, टी बराबर है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी है। तो इस तरीके से ये हमारे बीमे विश्लेषण के कुछ क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए, इससे आपको ये जो वीडियो नई पड़ेगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल study.rsv को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। थैंकिंग यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।